हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी इजी डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। टुडेज टॉपिक इज एक्सेस ओपनिंग ऑफ आरसीटी। आज हम एक्सेस ओपनिंग करना सीखेंगे आरसीटी की। इसके पहले आरसीटी के हमारे दो वीडियोस आ चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्लिनिकली कैसे हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्टेड टूथ में हम करके देखेंगे कैसे ओपनिंग हम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एक्सेस ओपनिंग ऑफ आरसीटी। आरसीटी में जो हम सबसे पहली प्रोसेस है, जो फर्स्ट विजिट में हम करते हैं एक्सेस ओपनिंग। सभी टूथ के अलग अलग शेप होते हैं। एक जनरली हम आपको शेप बता देते हैं एक्सेस ओपनिंग के। जो इंटीरियर्स होते हैं, मैक्सिलरी मैंडिबुलर दोनों जो इंटीरियर्स होते हैं उसमें हम ट्रायंगुलर शेप का एक्सेस ओपनिंग करते हैं। प्री मोलर्स जो होते हैं उनमें ओवॉइडल शेप का करते हैं बेसिकली, और जो मोलार्स होते हैं उसमें हम रोमोइडल शेप का एक्सेस ओपनिंग करते हैं। तो ये शेप हमको जनरली ध्यान में रखना है। बिल्कुल ऐसे ही शेप में हम एक्सेस ओपनिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये शेप हमारे ध्यान में रहते हैं तो हमें केनाल सर्च करने में आसानी होती है। तो चलिए अब इसको हम क्लिनिकली समझ लेते हैं। तो एक्सेस ओपनिंग के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे मैंने अरेंज कर ली है। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ये एरोटर हैंड पीस है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो छोटे बर रखे हुए हैं, इसको हम एरोटर से अटैच करेंगे और फिर एक्सेस ओपनिंग करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं आप राउंड बर, इससे हम पल्प चेम्बर ओपन करते हैं। इनिशियल डिच हम इससे देते हैं, ये सामने से राउंड होता है, और पल्प चेम्बर ओपन करने के बाद हम ये स्ट्रेट बर से हमारा जो एक्सेस ओपनिंग है उसको फ्लेयर अप करते हैं, उसको वाइड करते हैं ताकि केनाल सर्च करने में आसानी हो। इसके अलावा एक एक्सेस ओपनिंग बर भी आता है जिसका फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बर्स भी बोल सकते हैं। उसके स्टार्टिंग में राउंड बर जैसा होता है और जो उसका नेक पोर्शन होता है वो स्ट्रेट बर जैसा होता है, लेकिन अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम इन दोनों बर से भी एक्सेस ओपनिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं आप फाइल्स रखी हुई हैं, इनसे हम केनाल सर्च करेंगे। ये 6, 8 और 10 नंबर की फ़ाइल्स रखी हुई हैं, इनके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है आरसीटी सीरीज़ में, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और 10 नंबर की फ़ाइल हम यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सट्रैक्टेड टूथ रखा हुआ है हमने, ये प्रीमोलर टूथ है, इसमें हम एक्सेस ओपनिंग करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये टूथ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका बक्कल कस्प है और ये पैलेटल कस्प है, और ये रूट्स देख लीजिए आप पूरा टूथ कैसा होता है। तो इसके मिड पॉइंट से यहाँ से हम एक्सेस ओपनिंग करेंगे। तो पहले मैं एरोटर में राउंड बर लगा लेता हूँ और इसको चेयर से अटैच कर लेता हूँ। ये मैंने अटैच कर लिया है। तो पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कि बर हमको कैसे रखना है। ये आप स्ट्रेट प्रोब देख रहे हैं, यहाँ से हमको ऐसा स्ट्रेट यहाँ पर रखना है और ये यहाँ पर। इस साइड से देख लीजिए, आपको काफ़ी क्लियर समझ में आएगा कैसे रखना है। और 90 डिग्री की पोजीशन में इसको हमको रखना है, हमारा जो बर है वो टिल्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे जब इसको हम बर को चलाएंगे तो एक ड्रॉप इन इफ़ेक्ट, ऐसा पुश इफ़ेक्ट हमको मिलेगा, तो वहाँ पर हमको रुक जाना है और फिर हम पल्प चेम्बर को वहाँ से वाइड करेंगे, उससे डीप हमको नहीं जाना है। तो ये बर रख के आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ऐसा बर रखना है आपको, काफ़ी क्लियर इसमें दिख रहा है। और जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा एक ड्रॉप इन इफ़ेक्ट मिलेगा, ऐसा पुश होगा, वहाँ पर हमको रुक जाना है, उससे डीप नहीं जाना है, और ऐसा बक को पैलेटल मूवमेंट करके चैम्बर को वाइड करना है। तो एक बार साइड से देख लीजिए आप, ऐसा रखना है, ऐसा पुश मिलेगा और फिर वहाँ पर ऐसा मूवमेंट करके पल्प चेम्बर को वाइड करना है। तो चलिए अब एरोटर को स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप एक्सट्रैक्टेड टूथ में प्रैक्टिस करें, आपको इस टूथ को वैक्स ब्लॉक में माउंट कर लेना है। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने माउंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि बर काफ़ी तेज़ी से घूमता है तो लगने का डर होता है। तो पहले आप इसको माउंट कर लें,
फिर यूज़ करें वैक्स ब्लॉक में। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल प्रिपरेशन किया है मैंने, यहाँ पर पुश मिला, ये पल्प चैम्बर में हम पहुँच गए हैं और अब इसको मैं वाइड करूँगा। इसको बक्को पैलेटल मूवमेंट देके धीरे धीरे वहाँ पर वाइड करेंगे हम। तो ये मैंने चैम्बर को वाइड किया, अब हम कैनाल को सर्च करेंगे। आपको इरिगेट करते जाना है नॉर्मल सलाइन या फिर हाइपोक्लोराइड से। ये 10 नंबर की फाइल में यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने 16 mm पर सेट किया हुआ है स्टॉपर को। जब तक हम वर्किंग लेंथ नहीं लेते हैं आप 16 या 17 mm पर सेट कर लीजिए फाइल को और फिर कैनाल सर्च करिए। ये देखिए ये पैलेटल कैनाल यहाँ पर सर्च हुई है, दो कैनाल्स इसमें होती है प्रीमोलर में, ये बक्कल कैनाल है हमारी। अब हम इस टूथ को यहाँ से वाइड करेंगे स्ट्रेट बर लगाकर, ताकि हमको और क्लियर दिखे और फाइलिंग करने में आसानी हो। तो ये पल्प चैम्बर को मैंने वाइड किया, इरिगेट कर लिया, अब काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पर दिखेगा। अब हम इसमें फाइलिंग करते हैं, दोनों कैनाल में आपको दिखाऊंगा। तो एक ये 10 नंबर की फाइल मैंने ली है, इसको मैं बक्कल कैनाल में डाल रहा हूँ, जैसा कि हमने अभी सर्च की थी कैनाल, ये बक्कल कैनाल में मैंने इसको प्लेस कर दी। और एक 8 नंबर की फाइल में लेता हूँ, इसको पैलेटल कैनाल में प्लेस कर रहा हूँ। दोनों को मैंने 16 mm पर सेट किया हुआ है, ये देखिए। अभी काफ़ी इसमें क्लियर आपको दिख रहा है, एक बार साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है हमारी बक्कल कैनाल है और ये बक्कल कैनाल है हमारी, 10 नंबर की फाइल डाला हुआ मैंने, और ये पैलेटल कैनाल है, इसमें 8 नंबर की फाइल मैंने यूज़ की है। ये देखिए इसमें कैनाल ओपनिंग जो है काफ़ी क्लियर आपको दिख रही है। इसमें हम ऐसा फाइलिंग कर देंगे इस मोशन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड पुल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड पुल। इसी 10 नंबर की फाइल से मैं पैलेटल कैनाल में भी फाइलिंग कर रहा हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर कैनाल ओपनिंग क्लियर आपको दिख रही होंगी। फिर जितने भी कैनाल हमने सर्च की हैं उसमें 15 या फिर 20 नंबर फाइल तक आप फाइलिंग कर सकते हैं। के और एच फाइल दोनों फाइल का यूज़ करके अच्छे से फाइल कर दीजिए कैनाल्स को, और इरिगेट कर देना है नॉर्मल सलाइन से या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अब हम इसमें फर्स्ट विजिट में ओपन ड्रेसिंग देके छोड़ देंगे। ओपन ड्रेसिंग के लिए ऐसा छोटा सा कॉटन हम लेंगे थोड़ा सा, और इसको एक कॉटन बॉल बनाएंगे, नॉर्मल सा एक बॉल बना लेंगे इस तरीके से, और इसमें या तो फॉर्मोक्रिसोल लगाकर या फिर नॉर्मल ही इस कॉटन को हम कैविटी में प्लेस कर देंगे। ये हमारी ओपन ड्रेसिंग हो जाएगी, फिर हम पेशेंट को रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट विजिट में हम बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करेंगे, BMP करेंगे। यहाँ पर हमारी एक्सेस ओपनिंग, हमारी फर्स्ट विजिट एंड हो जाती है। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इसके बाद हम RCT के नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें हम BMP समझेंगे और ऑब्चुरेशन पर भी वीडियोस लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।